नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के लालकुआ में वरिष्ठ भाजपा नेता ने पत्रकार वार्ता की। लालकुआ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा बिंदुखत्ता के इंदिरा नगर द्वितीय में आपदा प्रभावित पीड़ितों से 22 दिन बाद मुलाकात करने को वरिष्ठ भाजपा नेता पवन चौहान ने चुनावी एजेंडा करार दिया है। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जिस समय पीड़ितों को तत्काल मदद की आवश्यकता थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी लोगों के बीच में थे, मगर विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरह गायब दिखे। ऐसे में आपदा के 22 दिन पूर्व मुख्यमंत्री का प्रभावित क्षेत्र में दौरा एक चुनावी एजेंडा है। पवन चौहान ने कहा कि आपदा 18 अक्टूबर को आई थी, मगर 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने दलबल के साथ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और पीड़ितों से वार्ता की, मगर पीड़ितों को जब तत्काल मदद की आवश्यकता थी तब वह कहां थे और उनके कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कहां थे। पूरी घटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी, साथ ही क्षेत्रीय विधायक नवीन दुमका से लेकर सांसद अजय भट्ट और वह स्वयं लोगों के बीच में रहे। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। जैसी स्थिति है, बुखार किसी को अब आया है और उसको एक महीने बाद बुखार उतारने की दवाई देंगे तो वो कैसा असर करेगी। वो जब पीड़ित थे बेचारे, जब उनके गले गले आई थी, जब उन पे उनका कैसे उनकी स्थिति हो गई थी, जमीन उनकी चली गई, मकान उनका चला गया, और हरीश राव जी आज एक डेढ़ महीने बाद यहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बाद आज आर्थिक मदद क्या कर रहे होंगे। क्या गए थे कांग्रेस के लोग उस समय, कहाँ गए थे हरीश रावत जी, उनके विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता, अन्य लोग। अब चुनाव में उन्होंने सोचा बिंदु खत्ते में मेरा प्रचार हो जाएगा और मैं बाढ़ पीड़ित की मदद करने का समय जब जरूरत होती है तभी कोई चीज़ मदद के लिए लोगों को उम्मीद होती है। चुनावी दौरा है, ये टोटल चुनावी दौरा है और चुनावी दौरे में आदमी ये सब प्रपंच करता ही है और ये कांग्रेस की तो नीति में है प्रपंच करके चुनाव लड़ने की, लोगों को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाने की।